घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्थमे जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिला देने वाला एक बहुत ही आसान और आयुर्वेदिक उपाय। दोस्तों, अस्थमा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये आप सभी जानते हैं। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी होती है, घबराहट होती है, सिर दर्द और छाती में रुकावट होती है और दर्द की तकलीफ को बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि अस्थमे के लक्षणों को यानी अस्थमे को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। कुछ घरेलू उपाय करके या आयुर्वेदिक उपाय करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे पूरी तरह से छुटकारा भी पा सकते हैं। आज हम आपको एक बहुत आसान और आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, इसका इस्तेमाल करके आप अस्थमे को दूर कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी और वो है लौंग। लौंग आपके किचन में जरूर होगी, कई सारे व्यंजन बनाने में, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सिर्फ 5 लौंग ले लेनी है। दोस्तों, 5 लौंग लेकर आप 125 ग्राम पानी में इसको डालकर 5 मिनट तक हल्की आंच पर इसको उबालना है। इस तरह से 125 ग्राम आप पानी ले लीजिए और उसमें 5 लौंग डालकर उसको 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबालिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तब आप इसको छान लीजिए और ये काढ़ा बनकर आपका तैयार है। अब इसमें आप 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लीजिए और इसको पी लीजिए। पूरे दिन में आपको 2 या 3 बार इसका सेवन करना है और आप देखेंगे कि सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही अस्थमेटिक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है। अजवाइन आपके घर में जरूर होगी। अजवाइन भी अस्थमे के रोग को दूर करने में बड़ी फायदेमंद है। इसमें आपको करना यह है कि अजवाइन आप ले लीजिए 1 चम्मच और उसको करीब 200 ग्राम पानी में डालकर उसको बड़े से बर्तन में डालकर उबालिए। जब इसमें भाप अच्छे से उबलने लगे, भाप निकलने लगे, तो अपने चेहरे को इसके ऊपर ले जाएं और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें ताकि इसके अंदर से उठने वाली भाप आपके फेफड़ों में आसानी से जा सके। तो दोस्तों, अस्थमे के पेशेंट को इससे बहुत तेजी से फायदा होता है और ये दोनों ही उपाय एक साथ करने हैं। जो हमने लौंग का काढ़ा आपको बताया था, ये आपको लेना है पूरे दिन में 2 या 3 बार लेना है और उसी तरह से कम 2 बार आपको अजवाइन के पानी की भाप लेनी है। तो दोनों नुस्खे मिलाकर तेजी से काम करेंगे और अस्थमेटिक पेशेंट को अस्थमे से छुटकारा दिला देंगे। पहली बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसी समय आपको इसका फायदा नजर आने लगेगा और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से आपको अस्थमे से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यदि हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सेफ है, आप इसको उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।